प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल एग्जाम्स के रिगार्डिंग टेंथ क्वेश्चन में हमें गिवन है, है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स और वहाँ से हमें प्रूव करना है ये तीन केसेस तो सबसे पहले वी हैव ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ठीक है देन हम बोल सकते हैं प्रोबरिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबरिटी ऑफ ए इंटू प्रोबरिटी ऑफ बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के डेफिनेशन से हम ये चीज़ लिख सकते हैं नाव फॉर फर्स्ट केस हमें शो करना है ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट तो हमें ए एंड बी इंडिपेंडेंट एक इवेंट है और वहाँ से हमें शो करना है ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट तो सबसे पहले बाई डी मॉर्गन्स लॉ डी मॉर्गन्स लॉ से हम बोल सकते हैं ए बी का होल बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार ठीक है नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड अगर हम बोथ साइड में प्रोबेबिलिटी ले ले प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का होल बार सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा वन माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉबर्टी ऑफ बी प्लस प्रावर्टी ऑफ ए बी यहाँ पर हमने प्रॉबिटी का एडिशन रूल अप्लाई किया है सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वन माइनस प्रॉबिटी ऑफ ए माइनस प्रॉबर्टी ऑफ बी प्लस प्रॉबिटी ऑफ ए इंटू ऑफ़ बी क्योंकि हमारे पास ए एंड बी इंडिपेंडेंट इफेंट है तो यहां पर प्रॉविट ऑफ ए बी बस टू हम प्रोविट ऑफ ए इंटू प्रोट ऑफ बी लिख सकते हैं सो दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और हमें पता है ए इम्प्लाई करता है कि प्रोबिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबिटी ऑफ बी बार ठीक है तो हमने यहां पर दिखा दिया है दे आरफो हमने शो किया है प्रोबिटी ऑफ ए बी का होल बार इज इक्वल टू प्रोबिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबिटी ऑफ बी बार दैट इज हम बोल सकते हैं कि ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें शो so करना है ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले वी नो दैट हमें पता है बी प्लस बी बार इन दोनों इवेंट का जो एडिशन है वो सैंपल स्पेस एस के साथ इक्वल होता है यहां पर एस इज ए सैंपल स्पेस है सैंपल स्पेस अभी अगर हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए इंटू बी प्लस बी बार इस इक्वल्स टू ए एस और हम इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी बार इक्वल्स टू ए क्योंकि ए एस मतलब कि ए इंटरसेक्शन एस का वैल्यू ए के साथ इक्वल होता है हमें पता है सैम्पल स्पेस के साथ जिस भी इवेंट का इंटरसेक्शन होता है वही वाला इवेंट होता है सो हमें मिलेगा ए बी प्लस ए बी बार इक्वल टू ए नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड अगर हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले लें टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड वी विल गेट प्रोबिटी ऑफ ए बी प्लस ए बी बार इक्वस टू प्रोबरिटी ऑफ ए और इसे हम लिख सकते हैं प्रोबिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबिटी ऑफ ए बी बार इक्व टू प्रोबरिटी ऑफ ए क्योंकि यहाँ पर ए बी इंटू ए बी बार दोनों का इंटरसेक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन इक्व टू हमें मिलेगा ए इंटू बी इंटू बी बार दैट इज इक्व टू ए इंटू जीरो क्योंकि ए एक इम्पॉसिबल इवेंट है बी इंटू बी बार सो दैट इज टू हमें मिलेगा जीरो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन टू आ रहा है मतलब कि एंड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो बाय ऑक्सीजन थ्री हमें लिख सकते हैं और हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार इक्व टू प्रोबर्टी ऑफ ए माइनस प्रोबर्टी ऑफ ए बी नाउ दैट इज इक्व टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबर्टी ऑफ ए इंटू प्रोबर्टी ऑफ बी क्योंकि ए एंड बी आर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट डिफेंस ओके सो दैट इज इक्वल्स टू अगर हम प्रोबिटी ऑफ ए को कॉमन ले लें वन माइनस प्रोबिटी ऑफ बी दिस इक्वेश्चन हम लिख सकते हैं प्रॉबिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिटी ऑफ बी बार तो देआर फोर हमने शो किया है प्रोबिटी ऑफ ए बी बार इक्व टू प्रॉबिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिटी ऑफ बी बार दैट इज हम बोल सकते हैं ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इफेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें शो करना है ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सो वी नो दैट ए प्लस ए बार इस इक्वल्स टू सैंपल स्पेस एस दे आर फोर हम अगर दोनों साइड बी को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए प्लस ए बार इंटू बी इक्वल्स टू एस बी और हम इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी इक्वल्स टू बी क्योंकि यहाँ पर भी एस बी इक्वल्स टू बी होगा नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस ए बार बी इस इक्वल्स टू प्रोबरिटी ऑफ बी और इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबरिटी ऑफ ए बार बी इक्वल्स टू प्रोबर्टी ऑफ बी सिमिलरली यहाँ पर भी ए बी इंटू ए बार बी दोनों का इंटरसेक्शन इक्व टू हमें मिलेगा ए इंटू ए बार इंटू बी दैट इज इक्व टू जीरो इंटू बी दैट इज इक्व टू जीरो तो यहाँ पर भी ए बी एंड ए बार बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सो बाय यूजिंग ऑक्सीजन थ्री हम ऐसा बोल सकते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी इक्व टू मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और इसे हम लिख सकते हैं प्रॉबर्टी ऑफ ए बार बी इक्व टू प्रॉबर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉवर्टी ऑफ बी क्योंकि ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डिफेंस दैट इज इक्व टू हमें मिलेगा प्रॉबर्टी ऑफ बी अगर हम कॉमन ले लें तो वन माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए दैट इज इक्व टू प्रॉबर्टी ऑफ बी इंटू प्रॉबर्टी ऑफ ए बार तो हमने यहाँ पर शो कर दिया है प्रॉबर्टी ऑफ ए बार बी इक्व टू प्रॉबर्टी ऑफ ए बार इंटू टी ऑफ बी डेट इज हम बोल सकते हैं ए बार एंड बी आर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हिंस प्रूफ